मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे। रुद्र की लेडी लक। मिला हूँ अब जो तुमसे, दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। गौरी का गुस्सा। लड़ना झगड़ना, झगड़ के अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को, इनसे होगा क्या। रिश्तों की अहमियत। एंजल की मासूमियत। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। भाई जब से ओबराय मेंशन में इश्कबाजों की लेडी लगाई है, तब से घर का माहौल बदला बदला सा है, लेकिन अब सारा फोकस इस नन्ही परी पर है। ये टाइम पास कर रही है, पता नहीं बच्चे, छोटा बच्चा हाथ में लेके, बड़ा बच्चा तो किया जाता नहीं है, छोटे बच्चे से काम चला रही है, क्या कर रही हो तुम? वो डाइवर्ट करने के लिए हमें एक ऐसे बच्चा लेके आई है, ऐसे कुछ ना कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुम क्या करते हो? मैं बच्चे तो, को चुप करने मेरे से तो होता ही नहीं है, सब कर, हाँ ये कुछ नहीं करता, तो मैं ऐसे ये ट्राई कर रही हूँ। और कोई तरीका आपके पास? मैं उसे कहानियाँ सुना सकती हूँ अपनी पुरानी, कि मैं कैसे बच्चे को बोर नहीं करना है, सुलाना था। अच्छा तो तुम कैसे चुप करवा रहे थे? अपना जिम की कहानियाँ सुना के। मैंने अपना जिम का वीडियो दिखाया यार। राइट, देखिए कैसे रुद्र अपनी एंजल को दुलार कर रहे हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। दूर खड़ी निहार रही है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्यूट था, क्योंकि मैं क्यूटली देख रही थी ना, और वो क्यूटली बच्चे को सुला रहे थे, तो मैं क्यूटली क्यूट हो गया, वो मोमेंट हो गया, पूरा मोमेंट क्यूट हो गया। भाई ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, सीन खत्म होते ही सेट पर मौजूद सभी लोग एंजल की खातिरदारी में तैनात हो जाते हैं। बहुत शोर मचता था हमारे सेट में जब से बच्चा आया, तब से इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि होता है, उसको सुलाने के चक्कर में कि कहीं शोर ना मचे और वो चुपचाप सो जाए, तो कुछ अलग ही माहौल है आजकल। सब इतना चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, फटाफट टेक होते हैं, मतलब बहुत बहुत चेंज हो गया है, अलग माहौल है। लेकिन आज असल मायने में बचपना तो पिंकी मैडम ने दिखाया है गौरी को उनका वजूद बताकर। गौरी को आ गया गुस्सा और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सीधा पहुंच गई ओमकारा के पास। एक बार फिर दोनों में बहस छिड़ गई है। गौरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की दुहाई दे रही है, पर ओमकारा के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पिंकी पूछती रहती है उसको कि तुम इस घर में क्यों हो, किस लिए हो। वो खुद एक्चुअली गौरी कंफ्यूज्ड है, ओमकारा ने उसको रोका हुआ है। उसे लग रहा है कि ओमकारा ने उसे घर में गिल्ट की वजह से रखा है, क्योंकि उसको पछतावा हो रहा है किसी चीज़ का, कि उसने जो भी किया गौरी के साथ। बट ओमकारा के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। भाई होगा भी कैसे, अभी तो इन इशकबाजों का सारा ध्यान नन्ही परी पर जो है। इनसे फुर्सत मिले तो कुछ और सोचें। गौरी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ आज तक ब्यूरो। मेरी खुशियाँ तू ही रे।